न्यूज चैनल की तरफ से एक बार फिर जोरदार स्वागत है आपको। बता दें कि पूरे देश के साथ महामन तहसील में अभी भी बड़े सौंदर्यपूर्ण वातावरण से मनाया गया। इस दौरान आपको बता दें कि सुबह के ही नमाजियों में ईदगाह के ओर से मनाया गया ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से। आइए नजर डालते एक बार पूरी खबर पर। पूरे देश भर में आज ईद का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसके दौरान ही आपको बता दें कि नमाजियों द्वारा ईदगाह की ओर से किया गया वह प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त हो रही। तहसीलदार महावन ने सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को देखा। वहीं नमाजियों ने भी देश में अमन चैन के साथ दुआ मांगी है। नमाज ठीक अपने निर्धारित समय 8:30 बजे प्रारंभ हुई है। उसके बाद सभी ने अल्लाह ताला देश में अमन चैन के साथ दुआ मांगते हुए दोनों हाथ उठाकर कहा है कि अल्लाह सभी को बरकत दे ईद अला। जुआ ने इस पूर्व पर महावान कस्बे में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह का नमाज अदा किया है और शुक्रिया किया है। प्राइम के न्यूज चैनल के लिए खास सर क्या व्यवस्था है, किस तरह से पढ़ी जानी है? इसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस पर तैनात है। इसके अलावा तहसील कर्मी और नगर पंचायत कर्मी भी यहाँ मौजूद है। तो कितना पुलिस बल लाया गया है यहाँ माहौल में? यहाँ ईदगाह के अलावा अन्य दो जगह और नमाज पढ़ी जा रही है, वहाँ भी पुलिस बल लगा हुआ है और यहाँ काफी मात्रा में पुलिस बल है। जैसे आज सावन सोमवार भी है, मंदिरों में भी जोश को लेकर व्यवस्था हो रही है। अपना नाम बताते बताइए, आज आपने क्या दुआ मांगी अल्लाह ताला से? मेरा नाम हाजी समीउद्दीन। अल्लाह ताला से दुआ है हमारे देश में, हमारी बस्ती में अमन चैन रहे, सारे खुशहाल रहे, में सब एकता से रहे। कौन सी ईद थी ये? बकरीद थी। क्या क्या होता है? जो है इसको कुर्बानी होती है। कुर्बानी का भी एक वो होता है ना रस्म की, कौन कर सकता है कुर्बानी? कुर्बानी हो सकता है जिसमें गुंजाइश हो, जिसमें गुंजाइश नहीं है नहीं कर सकता। नहीं, जैसे कोई कहते ना किसी पर किसी का कर्जा ना हो जाए जी, किसी का कुछ ले ना रखा हो, ना ऐसी कोई बात नहीं है। जिसमें हमारे यहाँ जकात होती है, जिस पर जकात वाजिब है उसको कुर्बानी वाजिब है। अच्छा, तो और क्या रहा, क्या क्या रहा? बस जिससे अल्लाह ने तौफीक दी वो कुर्बानी कर। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को